नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मेरे सामने जो पौधा आप देख रहे हैं ये अमेरिलिस लिली का पौधा है, और इसके बारे में जो है विंटर में कैसे आप इसको केयर करेंगे ताकि आपको जो है समर में जाके इसको अच्छी तरह फ्लावरिंग मिले। और आप देख रहे हैं ये जो पत्ता जो येलो हो रहा है और सूख रहा है, इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल गार्डन रूफटॉप, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं प्लांट अमेरिलिस लिली, ये जो लिली है इसका बल्ब जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये बल्ब जो मैं मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट में मैंने इसको प्लांटेशन किया था, तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है ये। तो दोस्तों चलिए, अभी जो है इसका विंटर का जो टाइम है ये इसके लिए जो है डोरमेंट पीरियड होता है। तो इस टाइम जो है दोस्तों इसका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है और ये बिल्कुल जो है ये स्लीपिंग मोड पे आ जाता है। तो इसीलिए जो है जैसे ही विंटर शुरू होता है तो इसका लीव्स जो है, ये लीव्स देखिए आप जरा, ये येलो होके ये ड्राई हो रहा है। तो इसका कारण जो है दोस्तों, इसको ये जो है ये इसका जो बल्ब है ये बल्ब अभी काम करना बंद कर देता है। तो इसी के कारण जो है दोस्तों ये जो पत्ता जो येलो है ये सूख रहा है और येलो हो रहा है और सूख रहा है। तो दोस्तों इस टाइम जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए ये डोरमेंसी पीरियड में आप इसको जो है किसी कूल जहाँ ड्राई हो ठंडी जगह पे आप इसको रखें, बिल्कुल जो है आप इसको वाटरिंग मत कीजिए, एकदम जो है इसको ऐसे मतलब जना छोड़ दीजिए। लेकिन इसको जो ये जो लीव्स है दोस्तों, ये लीव्स अगर साथ में रहेगा तो फिर इसका ये जो एनर्जी है ये बल्ब में एनर्जी जो है वो एब्जर्ब कर लेगा। तो इसीलिए इस लीव्स को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप इसको वाटरिंग मत कीजिए, आप इसका जो लीव्स है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप बल्ब, देखिए कितना अच्छा, मतलब तीनों का जो है बहुत ही अच्छा बल्ब है इसका, मतलब मोटा मोटा जो बल्ब आप देख रहे हैं। तो ये जितना मतलब जितना एनर्जी इसमें स्टोर रहेगा और उतना ही अच्छा मतलब ये फ्लावरिंग करेगा, और फ्लावरिंग जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए एनर्जी स्टोर करने के लिए इसमें आप एक इंच कम से कम जो है छोड़ के फिर इसको ऊपर से इसको लीव्स को काटना पड़ेगा। तो देखिए, तो ऐसे मतलब आपको काटने से ये जो है आराम से जो इतना जो इसका इसके अंदर जो भी एनर्जी है ये स्टोर होता रहेगा। मैं इसको तीनों को जो है काट लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है मैंने काट दिया। तो ऐसे ही विंटर में जो है आप इसको केयर कीजिए, केयर कीजिए ताकि आपका जो बल्ब है वो प्रिजर्व रहे, मतलब सुरक्षित रहे, और जो है समर में जाके फिर आप इसको जो है आउटसाइड निकाल के इसको फिर केयर कीजिए, इसको पानी दीजिए रेगुलर बेसिस पे, अंडर वाटरिंग मत कीजिए, ओवर वाटरिंग भी मत कीजिए, और साथ में जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दीजिए, मेनली ऑर्गेनिक जैसे वर्मी कंपोस्ट कावडंग मैन्योर, ये सारे चीज़ जैसे मस्टर्ड केक नीमखली, ये सारे चीज़ जो है भिगो के आप इसका पानी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ऐसे मतलब जो है उम्मीद करता हूँ ये जो केयर मैंने आपको बताया कैसे आप इसको विंटर में केयर करेंगे, तो आप अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।